हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ईसीजी लिमिटेड की ओर से दोस्तों यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो पोस्ट है वो रिलीज कर दी गई है, जिसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं वो फिल किए जाएंगे। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। यहाँ पे जो सैलरी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे तो 1,02,900 रुपये यहाँ पे आपको पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे जो है वो आपको सैलरी मिलने वाली है। और इसके अलावा भी कई तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, द ऑफिसर्स आर आल्सो एलिजिबल फॉर द अलाउंसेस। आपको कई तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस मिलता है आपको, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, हाउस लीज रीइंबर्समेंट मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, न्यूज़पेपर अलाउंस, मील कूपन, रीइंबर्समेंट ऑफ मोबाइल बिल्स, मोबाइल हैंडसेट एंड ब्रीफकेस अलाउंस, फर्नीचर अलाउंस, हाउस होल्ड हेल्प मिलती है यहाँ पे, हाउस होल्ड हेल्प अलाउंसेस वगैरह, और इस तरह के कई सारे और भी बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। यानी कि दोस्तों बहुत ही अच्छी यहाँ पे जो ये जो सैलरी है वो यहाँ पे आपकी होने वाली है। दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट है, यहाँ पे वैकेंसी थोड़े कम होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो पोस्ट है ये आपको किस तरीके से, मतलब यहाँ पे आपके सिलेक्शन होने वाली है, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, और इंटरव्यू के बाद फिर फाइनली आपको ये जो पोस्ट है ये यहाँ पे दी जाती है। जब आपकी ये दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद आपको ये पीओ की पोस्ट जो है मिल जाती है, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है ये 16/11/2024 को लिया जाएगा। टेंटेटिव डेट यहाँ पर मेंशन की गई है, देख सकते हैं थोड़ा सा आगे डेट जा सकती है, लेकिन आपको यही डेट को मानकर चलना है कि आपका 16/11/2024 को ऑनलाइन एग्जाम जो है यहाँ पे होने वाला है। 23 सेंटर्स में आपका जो एग्जाम है ये लिया जाएगा, 23 सेंटर्स टोटल यहाँ पे बताए गए जहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। जैसे कि मुंबई में आपका एग्जाम लिया जाएगा, थाने में लिया जाएगा, नेवी मुंबई में लिया जाएगा, अहमदाबाद, गांधीनगर आपका एग्जाम होगा, पुणे, इंदौर, नागपुर, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी, भुवनेश्वर, रायपुर, गुवाहाटी, चेन्नई, कोम्बिटूर, बेंगलोर, एर्नाकुलम, हैदराबाद, विजग, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, चंडीगढ़, मोहाली, कानपुर, पटना, रांची एंड जयपुर जैसी जगहों पर आपका जो एग्जाम है ये लिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जाम जो है इन जगहों पर आपका लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है 14/9/2024 से देख सकते हैं, यहाँ पे फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं। 14/9/2024 से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पे, और 13/10/2024 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम आपका होगा, इसके लिए जो कॉल लेटर्स हैं वो डाउनलोड किए जाएंगे 5/11/2024 के बाद में, और जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा ये लिया जाएगा 16/11/2024 को। अब जो ऑनलाइन एग्जाम आप दोगे उसका रिजल्ट भी यहाँ पे निकाला जाता है, तो रिजल्ट तो निकलना ही है दोस्तों। और रिजल्ट का टाइम यहाँ पे बताया इन्होंने, देखिए 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है इसके बीच में रिजल्ट आपका निकाला जाएगा। कब? 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे निकाला जाएगा। फिर उसके बाद जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ओके। और इंटरव्यू के लिए देखिए यहाँ पे जो इंटरव्यू आपका होने वाला है ये जनवरी के महीने में या फिर फरवरी 2025 में आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है। नीचे यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं, जैसे एससी कैटेगरी, कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज को यहाँ पे रखा है, जैसे एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और अनरिजर्व, और यहाँ पे टोटल आगे कितनी है। तो देखिए बैकलॉग वैकेंसी में एससी के लिए एक है, एसटी कैटेगरी में एक पोस्ट है और ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, तो इस तरह से टोटल 3 पोस्ट है। बाकी यहाँ पे जो पोस्टें हैं देख सकते हैं, यहाँ पे 5 पोस्टें जो हैं एससी कैटेगरी में हैं, और 3 पोस्टें जो हैं वो एसटी कैटेगरी में हैं। ओबीसी के लिए 10 पोस्टें, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्टें और अनरिजर्व वालों के लिए 16 पोस्टें, और टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें बैकलॉग को मिला के तो 40 पोस्टें यहाँ पर जो है पीओ की यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यानी 40 40 पोस्टें हैं, पोस्टें थोड़ा कम है, लेकिन आपने सैलरी देख ही ली दोस्तों, 1 लाख से अबो आपको यहाँ पे जो है 1 लाख से भी ज्यादा आपको सैलरी पर मंथ यहाँ पर मिलती है, ओके। और कई तरह के जो हैं बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, कई तरह के अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो पोस्ट जो है बहुत ही अच्छी है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी थोड़ा कम आती है, तो फिर भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई जो है इसके लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएशन पास जो है ये पोस्ट रहने वाली है,
तो अगर आप ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पास हैं, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। देखिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी भी यूटी से हैं, किसी भी स्टेट से हैं। आप अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज है वो यहाँ पर 1/9/2024 को गिनती की जाएगी, आपकी एज की 1/9/2024, यानी 1 सितंबर 2024 को आपकी एज देखी जाएगी। तो ये मिनिमम 21 साल की होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक। और ये जो एज है ये अनरिजर्व वालों के लिए, बाकी जो कैटेगरी में आएंगे उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो आपकी आसानी के लिए डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन की गई है, डेट ऑफ बर्थ क्या कि भाई 2/9/1994 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/9/2023 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी जाकर आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर 2/9/1994 को जन्म है या 1/9/2003 को, ये जो दो डेट्स यहाँ पर मेंशन की गई है, अगर इन दो डेट्स में आपका जन्म हुआ है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, आप भी यहाँ पे इलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, SC/ST में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है, जो PWD से आते हैं उनको यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आपकी जो कैटेगरी है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे 1/9/2024 को जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 1/9/2024 को आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, तो 1/9/2024 तक जो है आप ग्रेजुएट होने चाहिए। चाहे फिर किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, मतलब आर्ट्स से किया है या साइंस से किया है, किसी से भी अगर आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं PO की पोस्ट के लिए। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो है अगर हम बात करें कि भाई जब ऑनलाइन एग्जाम वगैरह आप ऑनलाइन जो फॉर्म वगैरह फिल करोगे, तो उसमें आपको अपनी परसेंटेज जो है वो भी मेंशन करनी है कि आपकी जो ग्रेजुएशन है उसमें आपकी कितनी परसेंटेज आई, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब ऑनलाइन सॉरी जब ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करोगे। तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, और नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा इसमें कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, 200 मार्क्स के, यानी 200 मार्क्स के रहेंगे, लेकिन 200 मार्क्स के रहेंगे तो क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 200, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे जो है 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस के, और यहाँ पे इसके बाद जो है आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ये भी 40 मार्क्स का होगा। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी से, तो रीजनिंग एबिलिटी से यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स करेंगे, 40 मिनट का टाइम होगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स करेंगे, 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स करेंगे, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स करेंगे, 20 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 मार्क्स करेंगे, 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे 200 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के यहाँ पे मतलब होने वाला है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, इसमें होता है कि भाई आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट होता है ये, ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें आपको एसे लिखना होता है, प्रिसिस राइटिंग मतलब होता है। तो ऐसे राइटिंग में आपको दो ऑप्शन दिए होंगे, मतलब आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, दो में से आपको एक पकड़ना है और उसी पर आपको ऐसे लिखना है, 20 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। फिर प्रिसिस राइटिंग में भी दो दो ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, दो में से आपको कोई एक चूज करना है और आपको लिखना है, 20 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे दोनों को मिला के, मतलब ऐसे राइटिंग और प्रिसिस राइटिंग दोनों को मिला के कितना टाइम दिया जा रहा है, 40 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर प्रोसेस की बात करें तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया कि उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपका ऑनलाइन एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसके लिए यहाँ पे पेनल्टी भी आपको पड़ेगी। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके मार्क्स माइनस किए जाएंगे 0.25 करके, प्रत्येक क्वेश्चन का गलत आंसर देने का, मतलब हर एक क्वेश्चन का अगर गलत आंसर आप दोगे तो 0.25 करके आपके जो मार्क्स हैं वो काटे जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आप आंसर देते ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता एग्जैक्ट आंसर, आप क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, तो उस केस में जो है आपको
कोई भी मार्क्स वगैरह जो है पेनल्टी वगैरह नहीं पड़ेगी, बट उसके मार्क्स भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं लेकिन वो गलत होता है उसका आंसर, तो आपको आपके मार्क्स यहाँ पर 0.25 करके माइनस किए जाते हैं। बाकी सेंटर्स वगैरह मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बताया, 23 सेंटर्स में आपका यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, यहाँ पे आप मेंशन भी किया गया है, तो आप यहाँ पर एक बार फिर से देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंटरव्यू बताया गया है, और इंटरव्यू के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा मुंबई, मुंबई के लिए या कोलकाता के लिए, दिल्ली के लिए या फिर बेंगलोर के लिए। तो इन्हीं चार जगह पर जो है आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन उन्हीं कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो शॉर्टलिस्ट होंगे, जो ऑनलाइन जो आपका एग्जाम लिया जाएगा उसमें जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट्स के साथ कम्युनिकेट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर्स वगैरह होंगे वो वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए जाएंगे। वेबसाइट यहाँ पर फिर से मेंशन की गई है, www.ecgc.in, ये वेबसाइट बताई गई है। इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा, यहाँ से कॉल लेटर वगैरह आपको डाउनलोड करना होगा और आपको वहां पर जो है इंटरव्यू देने जाना होगा। बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर जो है वो दिखाने हैं। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ऑनलाइन एग्जाम आपका लिया जाएगा, तो ये क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो कि इंटरव्यू के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लेके जाना है। इसके अलावा दोस्तों अब हम फीस के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे जब अगर आप एग्जाम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो यहाँ पे फीस आपकी क्या होने वाली है। तो थोड़ा सा इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल होके हम यहाँ पे देखेंगे कि फीस जो है यहाँ पर आपसे कितनी ली जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फीस है SC ST और PWD से जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको यहाँ पे 175 रुपये फीस रखी गई है, और बाकी जो अदर्स आते हैं SC ST PWD को छोड़कर उनके लिए यहाँ पे 900 रुपये जो है फीस रखी गई है, यानी उनके लिए फीस जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। पहले दोस्तों 850 रुपये फीस थे, अब यहाँ पे 900 रुपये इन्होंने रखी है, ठीक है ना। जो मैंने पिछला वीडियो कवर किया था उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फीस जो है 850 रुपये रखी गई थी, और लेकिन यहाँ पे जो है 900 रुपये बताई गई है। तो ये आपको जो है ऑनलाइन मोड से ही ये फीस आपको पे करनी है, ऑनलाइन मोड से आपको फीस पे करनी है। और ऑनलाइन जो है यहाँ पे मोड्स वगैरह भी बताए गए हैं कि किस तरीके से आप पे कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट कार्ड के थ्रू आप यहाँ पर पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप यहां पर फीस पे कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, IMPS से कर सकते हैं, कैश कार्ड से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं आप। ये यहां पे क्या बताए गए हैं, मोड्स बताए गए हैं कि किस तरीके से आपको अपनी फीस जो है यहां पे करनी है। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको ये सारी चीजें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के जरिए लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं दोस्तों, ताकि इस तरह की और भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।